नमस्कार, मैं ईश्वरी उर्सा स्वागत करती हूँ आप सभी का अवर नेचर गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं पर्पल हट के बारे में, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आज मैं आपको कंप्लीट केयर बताने वाली हूँ पर्पल हट को लेकर। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है पर्पल हट का, जो आप देख रहे हैं। ये पौधा जो है तब तक नहीं मरती जब तक हम इसे ना मारें, क्योंकि इसकी कंडीशन कितनी भी ख़राब हो जाए ये पौधा मरने वाला नहीं है। सूख जाती है, झड़ जाती है, और जैसे ही इसको पानी मिलती है तो इसके नीचे से और जो है प्लांट्स निकलते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पौधा तब तक नहीं मरता जब तक हम इसे नहीं मारते। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गमले की। आप ये जो गमला देख रहे हैं मेरा, ये हैंगिंग वाला है। आप पर्पल हार्ट के जो पौधे हैं उसको किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। और ये जो मेरा पौधा है मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगा के रखा हुआ है। आप इसको छोटे से पॉट में भी लगा सकते हो, और एक जो और आता है पॉट जिसमें पीछे डंडी रहता है हैंगिंग वाला, उसमें लगा सकते हो। मतलब 5 इंच 3 इंच जितने छोटे और जितने, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा छोटा पॉट भी चलता है। और मैं आपको इसकी कटिंग भी जो लगा के रखी हूँ उसको भी दिखाऊंगी। तो पॉट का चुनाव आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं, छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने इसको ग्लास में लगा के रखा हुआ है। ये कटिंग है मेरी पहले की, और इसको मैंने लगा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे गमले भी ले सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम इसकी मिट्टी की और पानी की, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें ऑलरेडी जो है पानी रहता है। इसके स्टेम में, इसके लीफ में पानी पहले से ही रहता है, तो हमको इसे पानी तभी डालना है जब इसकी जो मिट्टी है सूख जाए और इसकी जो पत्तियां हैं नीचे ऐसे झुकने लगती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे से और नए नए जो है प्लांट्स निकल रहे हैं। जैसा कि अगर ये इसके जो लीव्स नीचे लटकते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो उसको आप कैसे कट करोगे और कैसे उससे नए प्लांट बनाओगे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से जो है हैंगिंग बास्केट में ये जो प्लांट है लैगी हो जाते हैं और नीचे लटकते हैं, और ज़्यादा धूप होने से इसकी कंडीशन भी है जो ख़राब होने लगती है। तो सबसे पहले हम तो गमले की बात किए, अभी मैं मिट्टी, इसकी मिट्टी ऐसी बनाए एकदम बहुत ज़्यादा पोरस होनी चाहिए, पानी वेल ड्रेन निकल जानी चाहिए, मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो जो जड़ें हैं वो ख़राब होने लगती है। इसलिए आपको ऐसी मिट्टी बनानी है ताकि जो पानी है गमले से बाहर निकल जाए। वही एक भाग कंपोस्ट, एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग अपना बालू ले लेते हैं। इस तरीके से हम बना लेते हैं अपने मिट्टी को और अपने जो पर्पल हार्ट का पौधा है उसमें लगा सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोकेशन की। इसको इस तरीके से लोकेशन दीजिए जहाँ कम से कम 2 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। 2 घंटे की धूप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पर्पल हार्ट का जो पौधा है उसके कलर ही पर्पल कलर का है, तो आपको देखना होगा कि अगर इसको धूप नहीं मिलेगी, तो कम से कम इसको ब्राइट लाइट मिले ऐसी जगह आप उसको रखिए, बालकनी में रखिए या खिड़कियों के पास रखिए, क्योंकि अगर धूप मिलेगी तभी अपना जो कलर है वो मेंटेन करके रखेगी, इसलिए इसको धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके पास से अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो ऐसी जगह आप रखिए कि इसकी जो धूप है इससे गुजर सके, यहाँ से निकल सके, उसके आइट साइड से ऐसी जगह उसको रखिए। और ये जो स्टेम आप देख रहे हैं लंबी सी, ये देखिए, जैसे कि अगर आप इसकी कटिंग करते हैं, जैसे आप यहाँ से कट करते हैं तो उसके नीचे से जो ब्रांच है वो निकल ही रही है, तो आपको ऐसी कटिंग लेनी है जहाँ से उसकी जो रूट, जो उसका मेन जो पप्स जो निकलते हैं, रूट पॉइंट जो होता है वहाँ से आपको कट करके लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको इसकी कटिंग लेनी है और कैसे आपको लगानी है। इस तरीके से जो इसमें जो पिंक कलर का जो फ्लावर भी इसमें आता है गर्मियों में, और ये गर्मियों का ही पौधा है, और देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। इसको इस तरीके से काटेंगे कि वहाँ से इसका जो रूट्स जो निकले, पप्स जहाँ से निकलते हैं, नए स्टेम जहाँ से बनेंगे, इस तरीके से हमें लेना है और मिट्टी में लगा देना है। ये देखिए, यहाँ से इसके जो नए बेबी प्लांट्स हैं वो निकलेंगे, क्योंकि उसके जो पप्स एरिया होते हैं उसी को हमको देखना है।
उसके नोड एरिया को देखकर ही हमें कट इन करना है। कई लोग क्या करते हैं, उसकी नोड एरिया को ही काट देते हैं और बीच का जो स्टेम रहता है उसी में लगा देते हैं, जिससे उनकी कट इन नहीं लगती है। तो इस तरीके से आपको कट इन लेनी है, नोड एरिया देखकर ही आपको कट करना है और मिट्टी में लगा देना है। देखिए, मैंने ये एक डिस्पोजल ग्लास है, उसमें मैंने मिट्टी डाल के रखी हुई है, इसी में आपको ये कट इन लगा देनी है। इस तरीके से आप अपनी कट इन को लगा सकते हैं। और कम से कम आप दो गमले हमेशा तैयार रखिए रोटेट करने के लिए, क्योंकि एक पौधा अगर आपका ख़राब हो जा रहा है तो दूसरा पौधा पहले से ही तैयार करके रखिए, ताकि आपको अपने जो पर्पल हार्ट का पौधा है वो अपने गार्डन में रख सके। और जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से आप देखेंगे नए जो ब्रांच है वो निकलेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि कई लोग कट करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं नोड एरिया, यहाँ पे नोड एरिया है और यहाँ पर, ये दोनों को कई लोग क्या करते हैं, बीच को छोड़कर नोड एरिया को ही काट देते हैं, और जैसे कि मिट्टी में लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाती, गल जाती है, क्योंकि वहाँ से नोड एरिया कहीं उनको मिलता ही नहीं है कि जहाँ से उसकी जड़ें बने और पत्तियाँ निकले। इस कारण जो है आप लोगों का प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। तो पर्पल हार्ट का पौधा बहुत ही सुंदर सा और खूबसूरत सा पौधा होता है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बहुत सारे प्लांट आप बना के रख सकते हो। तो इस तरीके से इसकी जो प्लांट्स है आप बना के रख सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें प्रॉब्लम की, तो इंसेक्ट का अटैक तो पर्पल हार्ट में होता नहीं है। और इसमें अगर मैं बात करूँ कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट इसको नहीं लगता है ज़्यादा। आप एक बार जब मिट्टी तैयार करते हैं इसकी, तो वेल ड्रेन मिट्टी सॉइल जब बनाते हैं उसी समय आप कंपोस्ट ऐड करते हैं, तो आप उसी समय अपना जो भी जो न्यूट्रिशन डालना रहता है तो आप उसमें डाल सकते हैं, और अलग से इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो आप 6 महीने में एक बार इसको इसमें जो है कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, और इसकी कटिंग को भी 6 महीने में लगा सकते हैं। कटिंग क्यों नहीं चलती है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप नोड एरिया को काट देंगे और अगर आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि नोड एरिया को छोड़कर ही कटिंग आप करें, ताकि आपकी जो कटिंग है सक्सेसफुल लग सके। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा करती हूँ मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।